गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, चलिए आज शुरू करते हैं कि कोई भी छोटा बच्चा जो होता है, जिसको मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि उसको चीज़ों को होल्ड करना कैसे सिखाएं। बहुत सारे ऐसे सिंपल टिप्स हैं, जैसे स्पून होल्ड करना, वाटरिंग करना प्लांट्स के अंदर, और भी बहुत सारे ऐसे टिप्स बताए थे। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि बच्चे को स्टार्ट कैसे कराएँ, कैसे वो लिखना स्टार्ट करें। तो बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पर डिस्कस करूँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका बच्चा जो स्कूल अब चीज़ों को जाने लगा है, होल्ड करने लगा है, वो लिखना कैसे स्टार्ट करेगा। हमें पहली बात ये ध्यान रखनी है, तुरंत उस बच्चे को पेंसिल, मार्कर या कोई ऐसी चीज़ तुरंत नहीं दे देनी है कि आइए आप इस पर लिखना शुरू कीजिए। बस इस बात का ध्यान रखना है। आपने शुरू में क्या करना है, उस बच्चे को मैं कुछ बना रहा हूँ शेप्स, जैसे मैंने यहाँ एक बनाया इस तरह से वी, मैंने एक लेटर बनाया वी, एक लेटर मैंने और बनाया यहाँ पे एल, एक लेटर मैंने और बनाया यहाँ पे, और बनाया यहाँ पे सी, इस तरह से कर्व, और इस तरह से कुछ लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, इस तरह से भी कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ लाइनें ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक शेप और बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने कुछ शेप्स यहाँ बनाई हैं बोर्ड पे। आप जब भी चाह रहे हैं कि आपका बच्चा लिखना शुरू करे, तो इन शेप्स की मदद से आप बच्चे को राइटिंग शुरू करा सकते हैं। लेकिन शुरू में आपने मार्कर, पेंसिल या कोई भी चीज़ ऐसी उसको देनी नहीं है। पहले उस बच्चे को बोलना है अपनी फिंगर लो बेटा, और फिंगर इसके ऊपर चलाना है उसको, ऐसे इसी के ऊपर, ऐसे इसके ऊपर भी अपनी फिंगर ऐसे ऐसे चलाओ बेटा, उसको अपनी फिंगर का यूज़ कराना है ऐसे, इस तरह से। अब होगा क्या, वो बच्चा दो फिंगर चार फिंगर नहीं, आप ऐसे करिए, क्योंकि आप राइटिंग के लिए जब कोई चीज़ पकड़ते हैं तो इस फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, इस थंब का, और इस वाली फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऐसे चीज़ों को पकड़ना सीख गया है। अब इस पर मूवमेंट उसका इस तरह से, जैसे ये आपको स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं इनको, ऐसे करेगा वो, इसको स्लैंटिंग लाइन की उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस होएगी, फिंगर से प्रैक्टिस करेगा पहले वो, उसके बाद ये कर्ड इस तरह से वो चलाएगा इसी के ऊपर। मैं इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मार्कर है, फिर इरेज हो जाएगा, इस तरह से इसके ऊपर उसको करवाइए प्रैक्टिस, और ये इस शेप सी, जैसे सी शेप बना हुआ है, ऐसे कर्ड शेप की प्रैक्टिस कराइए इस फिंगर से। ये आपकी स्लीपिंग लाइन्स हैं, इस तरह से इनकी प्रैक्टिस कराइए बार बार। ये स्टैंडिंग वर्टिकल लाइंस हैं, ऐसे इनकी प्रैक्टिस कराइए। ये सर्कल है, इस तरह से प्रैक्टिस कराइए। पहले आप फिंगर की प्रैक्टिस इन सारी पिक्चर्स पे कराएंगे, उसके बाद जब आपका बच्चा फिंगर की प्रैक्टिस सीख जाता है, तब इस तरह का कोई मार्कर या कलर पेंसिल जिसकी थिकनेस ज़्यादा हो, आप उसको लीजिए और बच्चे को बोलिए इस पर बनाने के लिए। अब आपका बच्चा बहुत ईजी वे में वो सारे ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर देगा। और भी कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो मैं आपको बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको भी यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, जैसे क्रॉस, ये भी आपको पहले फिंगर से यूज़ करके दिखाना है। ये आपका एक बॉक्स बना दिया है मैंने स्क्वायर शेप में, ये भी आपने उसको बना के दिखाना है उसके ऊपर। ये इस तरह से कर्व शेप, इस तरह से भी, इन पे भी आपको फिंगर ऐसे चलानी, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे आपको करना है, वो अपने आप ही करेगा ऐसे क्रॉस इस फिंगर का यूज़ से, और उसके बाद उसको कोई मार्कर या पेंसिल आपने दे देनी है। तो चलिए, ये तो शुरुआत थी कि आपका बच्चा पहले कैसे शुरू करे पेन या पेंसिल पकड़ने से पहले की बात। अब वो पेन या पेंसिल से इन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चलाना सीख जाएगा। अब आपने उसको मार्कर पेन पेंसिल देके शुरू करा देना है। अब बात आती है कि वो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, अमूमन हम एक मिस्टेक करते हैं, मान लीजिए हम पहले ऐसे डॉट लगा देते हैं, डॉट ऐसे दो तीन डॉट लगाते हैं, पहले आपने डॉट प्रोसेस शुरू करना है, डॉट प्रोसेस यानी आपने उसकी प्रैक्टिस अगर ऐसे करानी है स्टैंडिंग के लिए, तो डॉट लगाने और बेटा इनको ज्वाइन करो आपस में, ऐसे ज्वाइन करेगा वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ ज्वाइन करेगा ऐसे, यानी डॉट प्रोसेस है। लेकिन इस डॉट प्रोसेस में एक काम अगर हम और ऐड कर लेते हैं,
तो वो डॉट प्रोसेस बहुत कामयाब होता है। यानी आप चाहे वो स्टैंडिंग लाइन हो, चाहे वो आपकी स्लीपिंग लाइन्स हो, चाहे आपकी स्लैंटिंग लाइन्स हो, कोई भी लाइन्स हो जिनमें आप डॉट बना के ज्वाइन करना बच्चे को सिखाएंगे, चाहे इसके अंदर डॉट बना के और चाहे इस वाली लाइन में, चाहे वो स्टैंडिंग हो, चाहे स्लीपिंग हो, चाहे स्लैंटिंग हो, किसी भी लाइन की अगर आप प्रैक्टिस कराएंगे डॉट के हिसाब से, तो उसमें एक चीज़ आपने और ऐड करनी है। वो क्या है, आपको एक काम करना है, आप क्या कीजिए, यहाँ कोई पिक्चर बना दीजिए। मान लीजिए आपने ऐसे बना दिया, एक ऐसे फ्लावर बना दिया, ठीक है, एक फ्लावर यहाँ बना दीजिए, यहाँ पे आपने एक बैलून बना दिया, एक बैलून यहाँ बना दीजिए आप, यहाँ पे आपने एक मैन की पिक्चर बना दी, एक मैन की पिक्चर यहाँ बना दीजिए। अब क्या होगा, वो जो आपकी स्लांटिंग स्लीपिंग या जो आपकी स्टैंडिंग लाइन्स है, उसको उसकी बजाय अगर आप ऐसे कर लेते हैं, आप ये बोलते हैं, आपको मान लीजिए स्टैंडिंग लाइन सिखानी है, ये दोनों पिक्चर बेटा आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है, वो पिक्चर्स को देख के ज्वाइन करेगा। अब वो पिक्चर्स को देख के आपकी स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, पिक्चर्स को इस पिक्चर से ज्वाइन करेगा, उसको बोलना है जौन सी पिक्चर आपको एक जैसी दिख रही है आपको उनको मिलाना है, अब ये स्टैंडिंग हो गया। सेम इसी तरह से अगर आपको सिखाना है उसको स्लीपिंग लाइन सिखानी है, ये वाली लाइन सिखानी है, तो यहाँ एक फ्लावर बनाया, यहाँ एक फ्लावर, यहाँ पे एक मैन बना दिया आपने, यहाँ पे भी एक मैन बना दीजिए, यहाँ पे एक बैलून बना दिया, यहाँ पे भी एक बैलून बना दीजिए। अब उसको स्लीपिंग लाइन सिखानी है, बेटा फ्लावर को फ्लावर से कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, मैन को मैन से कनेक्ट करो, बैलून को बैलून से कनेक्ट करो। इस तरह से क्या होता है, जब आप डॉट की बजाय पिक्चर्स कुछ बना देते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है और वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसी तरह से आप स्लैंटिंग लाइन में भी पिक्चर का यूज़ करके, मेरे कहने का मतलब है आप पिक्चर्स का यूज़ करके उनको ये तीनों तरह की लाइनें शुरू में फिंगर से, बाद में से शुरू करा देंगे, तो अब आपका बच्चा लेटर्स बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। इस तरह से आज हमने कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जाना कि हमारा जो किड्स है, हमारा जो छोटा बच्चा है, उसको राइटिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए हमारा बेस्ट वे कौन सा है। तो शुरू में आप फिंगर का यूज़ करना सिखाएंगे, उसके बाद पिक्चर्स जहाँ डॉट बनाते हैं वहाँ एक दो पिक्चर, सिंपल पिक्चर बना के उसको आप कनेक्ट करने के लिए कहेंगे, तो वो बहुत इंटरेस्ट ले करेगा और बहुत इजी और फास्ट वे में अब वो अपने लिखने वाला काम शुरू करेगा। तो इसी के साथ मैं आर के सर आज आपसे विदा लेता हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में छोटे बच्चों के लिए आगे अब वो लेटर कैसे सीखे, एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप बहुत सारे हैप्पीनेस के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू।